नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने चैनल पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे। फाइनली गाइस, हम आज बात करने वाले हैं सब्सक्राइबर के बारे में कि आखिर हम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें हम कैसे व्यूज़ दें, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएँ। जो नया चैनल होता है, जो स्टार्टिंग में हम जो गलती करते हैं, चैनल तो बना लेते हैं लेकिन जो हम जो जैसी गलती करते हैं उस गलती के बारे में बता रही हूँ। आपकी सबसे बड़ी जो गलती होती है, जो आप अपने YouTube चैनल पर करते हो, जैसे कि Facebook, Instagram या वगैरह जो भी वेबसाइट हैं, हम वहाँ पे अपने YouTube चैनल की लिंक शेयर कर देते हैं। किसी के वीडियोस देखा, किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियोज़ देखा, उसके वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान पर रखना है दोस्तों। किसी भी बड़े यूट्यूबर के वीडियोस पर जाके आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना लिंक शेयर कर देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए वगैरह वगैरह। हम उनसे ज़बरदस्ती फॉलो सब्सक्राइबर करवा लेते हैं और नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो हमारी सब्सक्राइब दे देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, बट वो हमारी वीडियोज़ को देखते ही नहीं है। जब वीडियो ही नहीं देखेंगे तो व्यूज़ कैसे बढ़ेगा? यही हम बड़ी गलती करते हैं कि हम किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना शेयर लिंक शेयर करवा के उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों ये बात मैंने क्यों बोला? क्योंकि गाइस, मैंने आपके नज़रिए से ही ये बात को देखा है, मैंने खुद किया है। आपका टॉपिक सिर्फ क्या होता है, आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में अपना शेयर लिंक वीडियो जो भी भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप ये मत करिए, आप उनसे बोलिए कि मैंने एक वीडियोस बनाई हैं या मैंने मेरे जो भी एक काम किया है यूट्यूब के लिए, इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या कमी है। अगर आप उनसे आप पूछोगे कि इसमें क्या कमी है मुझे बताइए तो मैं उसे ठीक करूँ, तो वो आपकी वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आप उस वीडियो पर आपकी कमियाँ ढूँढेंगे। क्योंकि उनको तो कमियाँ निकालनी है ना, इसीलिए वो आपको कमियाँ ढूँढने के लिए आपकी वीडियोज़ देखेंगे। तो उसमें जो भी कुछ पता होगा उन्हें जो लगेगा कि हाँ यार ये ठीक है, ये नहीं है। क्योंकि भाई ये जो YouTube जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें तो मेहनत तो लगती ही है। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। किसी भी काम में मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो YouTube हो या अपना पर्सनल जॉब हो, लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में तो आपका सिर्फ एक ही फंडा होता है कि आपको किसी भी तरीके से सब्सक्राइबर मिल जाए। तो आप कहते हो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस बोल देते हो। ठीक इसी तरह लाइक तो वो कर देते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर देते हैं, जो आपके घनिष्ठ होते हैं, आपके मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, पहचान वाले होते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं आपको देखकर। क्योंकि आपने ज़बरदस्ती कहा है भाई कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो वगैरह वगैरह वगैरह, आपने ज़बरदस्ती करवाया है इस तरीके से बोल के। आपको सब्सक्राइबर तो मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी वीडियो को देखा ही नहीं, नहीं देखेगा। फिर आप दूसरे वीडियोस डालेंगे, अब उसने ये वीडियो भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही वीडियो नहीं देखी तो दूसरी वीडियो क्यों देखेगा? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती किया है उनसे, किया है ना। उन्होंने अब तो अपनी मर्जी से सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ना। देखिए, आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि चैनल सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, शेयर कीजिए, कुछ नहीं बोलना है। आपको फोकस इसमें करना है कि YouTube हमारी वीडियोस को कैसे रीच तक पहुँचाए, ठीक है। नहीं तो एक दो चार वीडियो हम लोग बना देते हैं और डाल देते हैं, व्यूज़ ही नहीं आते हैं और फिर हमको क्या लगता है, हमने ये वीडियोस डाल दिया बस ऐसे करके बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फिर बोलते हैं क्या, अरे हमारे चैनल पे वीडियोस ही नहीं आ रही, व्यूज़ ही नहीं आ रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहा, बस बन गया छोटा सा मुँह, होता है ना। तो भाई ऐसे व्यूज़ नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो गाइस, आपको सब्सक्राइबर के पीछे नहीं, व्यूज़ के पीछे बढ़ाना है कि व्यूज़ कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था।
तो जो हमारी जो गलतियां हैं, मेन गलतियां ये हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, हम वगैरह वगैरह हम बहुत लोगों को बोलते रहते हैं। तो ये हमें कम करना है, क्योंकि हमारी वीडियोस अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देंगे, उसे हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब हमारी वीडियोस को, यूट्यूब भी हेल्प करता है कि हमारी वीडियो किस टाइप की वीडियो है, हमारी जिस टाइप की वीडियो रहेगी उसी टाइप के लोगों के पास हमारे यूट्यूब वीडियोस को टैग करता है, भेज देता है, सेंड कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा चैनल भी ग्रोथ होता है और अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। तो ज़्यादा करके आप सब्सक्राइबर के पीछे ना भागें, बेटर होगा कि आप व्यूअर के पीछे जाएँ, व्यूज़ टाइम को दिखाएं कि हमारी कमियां क्या हैं, या हमारे वीडियोस व्यूज़ बढ़ाएं, उस बात पे ध्यान ज़्यादा रखें। तो कहीं ना कहीं हम ये सब गलती कर देते हैं, ठीक है। गलती तो सबसे होती है, नए यूट्यूबर तो अभी जो नए हैं, जो नए चैनल बनाए हैं, तो उनको क्या पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे खुद को पता नहीं था, है ना। तो अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कैसे करना है कैसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं उनको तो नहीं पता, वो तो बस कहीं पे वीडियो शूट किए, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दिए, कुछ थंब वगैरह डाल दिए और अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वीडियो लो क्वालिटी, लो साउंडेशन पे होता है, तो वही होता है। अभी फ़िलहाल आवाज़ साउंड का प्रॉब्लम मुझे भी है, क्योंकि मेरा माइक भी थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो उसमें भी मेरे में भी साउंड नहीं आ रही, ठीक है। ये तो मैं ठीक कर लूँगा थोड़ी दिन में, ओके। इसके लिए आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। और तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरी वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है। और हम जो वीडियो सब लोग डालते हैं वहाँ पे टाइटल एक यूनिक टाइटल होना चाहिए, अच्छा टाइटल होना चाहिए, जो सर्च बार में भी जल्दी आ जाए और लोगों के दिमाग में भी जल्दी आ जाए कि हमें इस टाइप की वीडियो चाहिए। तो वो उस टाइप में सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी कुछ यूनिक लिखें, अच्छा लिखें, उसमें हमारा एक दो चैनल का भी नाम लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम ज़रूर लिखना, कुछ लिखो या ना लिखो लेकिन चैनल का नाम ज़रूर लिखना, ठीक है। फिलहाल और उसके साथ साथ थंबनेल भी अच्छा कुछ बनाए, अच्छा सा थंबनेल बनाए, यूनिक टाइप का, जो सबसे अलग हो, अच्छा लगे कि थंबनेल को ही देख के लोग प्ले करते हैं वीडियोज़ को। तो थंबनेल भी अच्छे तरीके से बनाएं, अच्छा थंबनेल लगाएं, तो ऐसा थंबनेल बनाएं कि अगर जो नया लोग बंदे देख रहे हैं तो उन्हें लगे कि हाँ यार इस वीडियो में कुछ नया है, चलो इसे प्ले करके देखते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो थंबनेल को देख कर ही वीडियो पे टच करते हैं, ठीक है। तो उसी बात को ध्यान रख के हमें थंबनेल भी अच्छे लगाना है, डिस्क्रिप्शन अच्छे लगाना है और डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे लिखना है, ठीक है ना। समझ गए, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाओ, ओके। तो उम्मीद है मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।